ब्लॉग बनाना भूल गया है? नहीं भूला नहीं है, भूला नहीं। We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी यहाँ पे हूँ, कंटेंट नहीं मिल रहा मुझे। तुम बताओ कंटेंट क्या बनाए? अभी तो मेलबर्न सिटी में घूम रहा है भाई तुम्हारा, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे। सो कितना की हाल है सारे था? थोड़े टाइम से भाई बहुत सारा मिसिंग था, बहुत ज्यादा मिसिंग था, बहुत ज्यादा ही मिसिंग था। हरी पत्ती हो गई है, चलो बस कोई पुलिस ही ना देख ले, नहीं तो मैं फाइन तुमसे भरवाऊंगा सबसे। आज मेलबर्न घुमाते रहता है थोड़ा सा। चल आंटी अंकल देखी पीछे खड़ा जो रोड है तेरी। बेंचो इतना इतना गंदा वेदर है ना मेलबर्न का। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, इतनी ठंड हुई पड़ी थी, मैं कहा चलो स्वेटर स्वूटर काट लो, एंड मतलब स्वेटर वाला मौसम आ गया, हुडी हुडी मौसम आ गया। आज देखो इतना गर्मियां वाले कपड़े पै गए, इतना गंदा वेदर है ना, गंदा बंदा है मेलबर्न होता ना बेंचो कोई बंदा, मैं इन्हू पट देना ही। पजो लांगी लाइट ट्रामा चलती है इतनी। मतलब मेरे को ना कई बार ऐसे डर लगता कि बहन चोर मतलब मैं किसी ट्रैम के बिच ना मार दूं। तुझे मिर्ची लगी तेरी पे यौन पीछे छटेंगे। अरे 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 आग देख कितना लगी, आग देख कितना लगी, ढोई चा अग लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बॉय अंशाटा। और देखो ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। मतलब सीधा एक स्टूडेंट की जैसे स्टूडेंट से बात करूंगा, जैसे तुम अभी मेरे सामने मेरे कोई दोस्त बन के बैठे हो ना, ऐसा दोस्त बात करूंगा, ऐसा यूट्यूबर बात नहीं करूंगा तुमसे, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया आयो तो एक बार मेरी भाई के साथ ध्यान सुन लो, गांड यहाँ पे फटती है, मैं तुम्हें मुंह पे बोल देता हूँ। यहाँ पे चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे तुम कनाडा में हो, चाहे यूएसए में हो, भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं स्पेशली ऑस्ट्रेलियन वाले बंदों से बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी यहाँ पे गांड फटनी है। ये वीडियो वहाँ से शुरू होती है जहाँ से मेरी एक लाइफ की एक स्टोरी है कि भाई मैं यहाँ पे जब आया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा था कि नहीं नहीं यहाँ पे तो देख भाई, यहाँ पे लाइफ तेरी इतनी सेटल हो जाएगी, यहाँ पे तेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, मतलब देखो कोई चीज़ कोई टेंशन करने की पड़ी नहीं। ये तब की बात है जब मैं नया नया यहाँ पे आने वाला था। ये तब की बात है जब मैं आया भाई। एक बार पहले बताता हूँ, पिछले तरह से शुरू करता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा कोई बंदा यहाँ पे तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। अगर तुम किसी रिश्तेदार के पास रह भी रहे हो, अगर मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, अगर तुम रिश्तेदार के पास रह भी रहे हो भाई, अगर तुम्हारी जॉब लगती है बिना बोले वो तुम्हें बोले कि नहीं हमने तुमसे पैसे नहीं लेने, पैंचो हमने तुमसे ये नहीं करना, हमने उनसे वो नहीं करना, भाई उनकी जेब में पैसे पा दो, डाल दो, फेंक दो। मुझे पता है एक टाइम पे आके उन्होंने तुम्हें अपने आप लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल देना है। ये एक लाइफ का सच्चाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ सेकंड ऑफ द थिंग, भाई रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है, हेलो बात अच्छी आ रही है ना, माइक में नर्स किया भाई ना। लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं कि भाई कहते हैं कि लाइक हम एक जॉब करेंगे, हम दो जॉब करेंगे, देखो मेरी तनख्वाह, मेरी ये सैलरी कितनी अच्छी है। अच्छा बहुत अच्छा है, किसने नहीं बोला जॉब करो, दो करो, तीन चलो, कार पांच छह जितनी मर्जी करना है करो, पर तुम्हें को टैक्सेस के बारे में क्यों नहीं बताता? टैक्सेस के बारे में तो कोई तुम्हें नहीं बताता ना भाई। जब एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब आता है, जून का एंड, 30th of June के बाद पहली जुलाई जब आती है, जब तुम्हारा प्यारा सा एक बच्चियोदी वाला जब तुम्हारा टैक्स बनता है भाई, तब तुम्हें पता लगता है, तब तुम्हारे लौड़े लगते हैं कि बहनचो ये इतना टैक्स बन कैसे गया, ठीक है। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हर एक सेकंड जॉब तो तुम यहाँ पे लेते हो। अब मुझे बाकी कंट्रीज का पता नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया का मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी तुम एक सेकंड जॉब जो लेते हो भाई, उसका डबल टैक्स कटता है। यहाँ के ऑनलाइन एक बार सर्च करके देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये वाली मतलब ये बात किसी ने बैंच मुझे बताई नहीं थी, ठीक है। मैं दो जॉब करता गया, ये बैंच मेरे को किसने जॉब ये बता, ये वाली चीज मेरे को किसने बताई नहीं। अब मैं तुम्हें इसके बाद की एक स्टोरी बताता हूँ ये कैसे हुआ। बैक इन 2017 एक बात यहाँ पे कहानी थी कि लाइक मेरे को जॉब लेने में उस टाइम पे बहुत तंगी हो रही थी। मतलब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि लाइक जब जॉब नहीं है तो नहीं है, आई है तो बहुत सारी आई हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब मुझे, मैं कार्टेक्स पे काम करता था, जो पेट्रोल स्टेशन यहाँ पे होता ना वहाँ पे मैं काम करता था, उसके साथ के साथ मुझे मैकडोनल्ड्स की भी जॉब मिली थी ऑन द वीकेंड। मैंने कहा पैन जो लाइफ सेट है पूरी, मंडे टू फ्राइडे मैकडोनल्ड्स पे मतलब कार्टेक्स पे काम करो, वीकेंड पे मैकडोनल्ड्स पे जाओ, ऐश करो, पैसे कमाओ, ये मेरी लाइफ थी, ठीक है।
बाद में पता क्या लगा फाइनेंशियल ईयर पे कि भाई मेरे तो लोड़े लग पड़े हैं। क्यों? क्योंकि भाई तो बेंचो जब सेकंड जॉब पे जितनी मेरी सैलरी थी उतने तो मैं टैक्स ही भर रहा था। ये बात कोई किसी को नहीं बताता। अब तुम्हें मैं इस चीज़ के पीछे रीजन बताता हूँ। अगर तुम कोई भी ABN, अगर तुम कोई सेकंड जॉब करना चाहते हो, कोई ABN की जॉब, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर या ऑस्ट्रेलियन कंपनी नंबर ACN की जॉब, भाई सेकंड जॉब उस पे करो। रीजन बीइंग, एक बस एक रीजन बीइंग, उसके ऊपर तुम्हें टैक्स कम देने पड़ते हैं। व्हाई? मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। अब तुम्हें कहो कि तुम्हारी कोई भी XYZ जॉब है जो तुम्हारी पक्की है वो तुम कर ही रहे हो, तुम्हारी सेकंड साइड पे तुमने कोई मैकडॉनल्ड्स या किसी की जॉब पकड़ी। अब जो बंदा मैकडॉनल्ड्स या फिर वो करेगा वो डबल टैक्स भरेगा ही भरेगा। बट जो साइड के ऊपर ऊबर या फिर ऐसी कोई जॉब करेगा, ऊबर या फिर कह लो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब ले ली, या फिर कोई क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर लिया, या पेंटिंग का काम कर लिया, कारपेंट्री का कर लिया, ऐसे कोई जॉब जो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, या फिर अपना बिजनेस खोल लिया, फोटोग्राफी खोल ली, अपने ऊपर फोटोग्राफी कोई खोल ली, या फिर वीडियो का काम कर लिया, कोई भी अपने ABN पे जो काम करोगे उसके ऊपर तुम बहुत सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकते हो। क्या क्या डिडक्ट होता है? अब ये बात सुनना, ये तुम्हें कोई भी किसी वीडियो में नहीं बताने वाला, ठीक है? ये पैंचो कोई भी तुम्हें किसी वीडियो में नहीं बताने वाला। अब ये क्या क्या चीज़ डिडक्ट हो सकती है? गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन तुम कराते हो वो, गाड़ी की इंश्योरेंस वो। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई वो नहीं हो सकती, अपने अकाउंटेंट से चेक करो, क्योंकि यहाँ के अकाउंटेंट मादर चोद हैं। वो अपनी जो फिर तुम्हारी फीस है, जो बड़े बड़े कंपनी वाले जो फीस लेते हैं वो तुम्हारा काम नहीं करते हैं, लोकल अकाउंटेंट ढूंढो वो तुम्हारा काम करता है, सब करता है। मैं कहता हूँ मैं अपनी रजिस्ट्रेशन अपनी क्लेम करवाता हूँ, रजिस्ट्रेशन अपनी इंश्योरेंस अपनी यही होता है इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन, हाँ यही होता है ना, ये वाली चीज़ें मैं सारी क्लेम करवाता हूँ। अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस, कोई तुमने एक्सेसरी ली अपनी गाड़ी की, या फिर कोई काम के लिए तुमने कोई कपड़े लिए, या फिर तुम्हारा कोई कार वॉश का खर्चा आया, या फिर तुमने कोई चैरिटी करी, भाई ये सारी चीज़ें डिडक्टेबल होती हैं। ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला चीज़ में, तुम्हें सब जॉब करने के लिए बताने वाला है। तुम्हें बेंचो कोई ये बताने वाला है नहीं कि लाइक जो मतलब जहाँ से पैसे वापस आ सकते हैं वो वाली चीज़ क्या होती है, ये तुम्हें कोई चीज़ नहीं बताता, ठीक है ना। अब ऑनेस्ट भाई, अगर स्टूडेंट की कन्वर्सेशन करूं, भाई यहाँ पे आके भाई कोई बकचोदी मत करना यार, जो पुलिस वाला काम पड़े, क्योंकि एक बार गांड फट गई, अगर एक बार कोई तरह पुलिस का कांड पड़ गया भाई तेरे वीज़ा के लौटे लग गए। मैं तो अगर सच में अगर तुम्हें बताऊँ तुम्हारी वीज़ा के लौटे लग गए अगर तुम यहाँ पे आके ये चीज़ को करते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल भाई मैं तो वैसे कोई कांड कूड में मैं तो पता है नहीं हूँ, बट तुम्हें मैं एक स्टोरी बताता हूँ। अब एक लैंडलॉर्ड था जिनके साथ मैं रहता था, ठीक है? उनके साथ मैं रहता था, मतलब एक टाइम पे सैलरी वगैरह अच्छी हो गई थी। ये कौन सी सन की बात है? आई गेस ये 2020 की बात है, ठीक है? 2020 की बात है, मैं उसके साथ रह रहा था, अच्छे से रह रहे थे, अच्छा खासा उसका नाइस घर था, बहुत अच्छा घर था उसका, ठीक है? वहाँ पे रह रहे थे, मेरे साथ एक और रूममेट था, वो हम दोनों इकट्ठे रह रहे थे। अब रीज़न क्या हुआ कि जब भी हम रात को आते थे ना वापस, मैं मेरी जॉब रात को खत्म होती थी, बनिंग्स पे मैं जॉब करता था, ठीक है? रात को मैंने वापस आना, उसने मतलब बोलना मतलब बर्तन ना खड़काओ, कपड़े ना दो। अब भाई मेरी तो रात को जॉब करता, मैंने तो रात को करना ना। उसने कहना मुझे ये मत करो वो मत करो, ठीक है भाई? मैं एक टाइम पे आके ना तंग हो गया, मैं पंजाबी, मेरा सिर पैंच घूम गया वहाँ पे। मैंने बर्तन निकाल लिया, मैं कहा पैंच मैं तो बनाऊंगा, जो मर्जी कर ले, मेरे को नहीं रोके। मैं जो रेंट देता हूँ यार, मुझे खाना नहीं खा सकता मैं तो, मतलब एडजस्ट तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है? अब हुआ क्या, मुझे एक टाइम के ऊपर शक हो गया कि यार मुझे लगता है, मतलब मैं एक दिन ना घर में आया वापस और मेरा ना लैपटॉप एक जगह की जगह दूसरी जगह पे पड़ा हुआ था। मुझे थोड़ा शक पड़ा कि मुझे लगता है कि बेंचो ये बंदा कहीं मेरे रूम में ना आता हो पीछे से। अब मैंने एक दिन क्या किया कि मैंने बस एक बाहर निकलने का बहाना लिया, ठीक है? अब वो बंदा क्या करता था कि लाइक यू नो हमारे AC का कनेक्शन काटता था, वो रात को क्या होता था इतनी गर्मी होती थी उसके रूम में, तो मैंने AC ऑन करना, वो बाहर से जाके मेन स्विच से मेरा AC ऑफ कर देता था कि मेरे उसका बिल ना आए ज़्यादा, ठीक है? अब मैंने क्या किया भाई, भाई के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा था, भाई ने जाके वहाँ से एक और AC लिया, अपने रूम में एक पर्सनल AC लगा के वो ऑन कर लिया, ठीक है? अब हुआ क्या, एक दिन मैं रूम में अपने आया था तो लाइक मेरा लैपटॉप एक जगह की जगह दूसरी जगह पे पड़ा, मुझे पता था मैं डेस्क पे ही लैपटॉप रखता हूँ, मेरे बेड पे लैपटॉप पड़ा हुआ था। मुझे थोड़ी सी लाइक यू नो कन्फ्यूजन सी हो कि भाई यार ये ऐसा क्यों, ऐसा पहन क्यों हुआ, ठीक है? अब एक दिन मैंने क्या किया, मैंने घर से बाहर निकलने का बस एक बहाना सा किया कि लाइक ठीक है मैं उसके सामने ना घर से बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है? मैं घर से बाहर 2 मिनट के रहा, मैं साथ ही वापस विदाउट नॉक किया घर में वापस गया और ये बंदा मेरे रूम में खड़ा हुआ था।
वहाँ में मुझे पता लग गया कि लाइक यू नो ये मेरे से बदतमीजी वगैरह सब कुछ करने वाला है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सब कुछ हुआ, लड़ाई लड़ाई हुई, एक वीडियो थी जिसमें उसने लाइक यू नो मेरे से लड़ते लड़ते यू नो कि लाइक अपने घर का, अपने घर का नहीं रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हारी यहाँ पे आके कोई भी ऐसी कोई लड़ाई वगैरह होती है, कोई तुमसे लड़ पड़े, कोई तुमसे लड़ पड़े, तुमसे कोई फाइट करे, तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की कोशिश करे, भाई चुपचाप फ़ोन का चुपचाप अपना फ़ोन निकाल के बस उसकी वीडियो बना लो। तुमने कुछ नहीं करना, चाहे दो चार मुक्के तुम खा लेना, अच्छा पेड़ खा लेना, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने कुछ नहीं करना, दिमाग से काम लेना, इससे मत काम लेना यहाँ पे। ठीक है, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, तू दो मुक्के खा लेना बट तुम बैक मत मारना, अनलेस वो चाकू मार के तुम्हें मारने लगे और तुम्हें डिफेंस करने लगे हो, तुम मत मारना। ठीक है, अब ना मेरे साथ हुआ क्या, मैंने अब उसने जैसे दरवाज़ा वगैरह तोड़ा, लाइक वो दरवाज़ा क्यों तोड़ा, इसलिए बिकॉज लाइक मुझे किसी और घर में शिफ्ट होना था एंड लाइक मैंने उसको सिर्फ एक या दो दिन पहले बताया था। अब होता है यहाँ पे रूल क्या है कि लाइक है ना कि अगर मूव तुम्हें करना पड़ता तो लाइक यू नो एक आधे हफ्ते पहले तुम्हें बताना पड़ता कि भाई मैं मूव करने लगा हूँ, लाइक मेरा ना मेरा बॉन्ड वापस कर दियो या फिर ऐसे कुछ वापस कर दियो। तो मैंने उसको लाइक दो दिन पहले ही बताया क्योंकि मेरी कन्फर्मेशन नहीं था भाई था कि भाई मैं मूव करने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसको आग लग गई, उसने मुझे कहा कि लाइक ऐसे कैसे मूव कर जाएगा भाई, मैं तो तेरा बॉन्ड नहीं करूंगा वापस। मैंने कहा बॉन्ड मत कर वापस, नो प्रॉब्लम, तू मत कर मेरा बॉन्ड वापस, ठीक है, बट मुझे यहां से निकलना है बाहर। वो गुस्सा